दोस्तों, यूपी पेंशन की वेबसाइट जो है अब चल चुकी है, अब जो है अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब जो है आप अपना पेंशन का प्रिंट और पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो आपको किस तरह से अपना पेंशन का प्रिंट निकालना है और किस तरह से अपना स्टेटस चेक करना है, सही तरीका क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यूपी पेंशन की ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाना है। जैसे कि मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, आप उस लिंक के माध्यम से इस पोर्टल पर जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों पेंशन का नाम आपको देखने को मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगों कुष्ठावस्था पेंशन। तो अब आपका जो भी पेंशन होगा आपको उस पेंशन के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा होगा योजना के विषय में, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप जो है अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से जो है आप अपने पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे और प्रिंट निकालेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदक लॉगिन और पात्रता। तो आपको सिंपली बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आवेदक लॉगिन, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। और उसके बाद में ये अगला स्टेप अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में लिखा ही होता है पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन, और यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों पेंशन का नाम देखने को मिलता है, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो आपका जो भी पेंशन होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन आईडी। तो अब आपका चाहे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन आईडी हो या 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन आईडी हो, आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करना है। चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आपका जो भी पेंशन होगा अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में अब आपका जो भी पेंशन के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो भी मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड होगा, आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके पेंशन के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेना होता है। और उसके बाद में आपको सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ओटीपी सेंड हो जाता है, यहाँ पर नीचे लिख के आ जाता है योर ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका ओटीपी सेंड हो चुका है, अब आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले बॉक्स पर जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया होगा, जो भी ओटीपी गया होगा, आपको उस ओटीपी को जो इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। और ओटीपी को टाइप करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड शो हो रहा होगा, तो आपके मोबाइल में जिस तरह से भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा आपको उसी तरह से यहाँ पर टाइप कर लेना है। और ओटीपी को टाइप करने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा होता है ना लॉगिन, तो आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर टच करना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपका नाम वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह यहाँ पर पूरा लेके आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अपने आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं, जैसा कि अपने स्टेटस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका तीनों स्टेप यहाँ पर वेरीफाइड होना चाहिए। अगर एक भी स्टेप यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होता है तब आप समझ जाइएगा कि आपके पेंशन में जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए जो है आपका पेंशन का पैसा भी नहीं आ रहा होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि तीनों स्टेप यहाँ पर वेरीफाइड हैं कि नहीं है। और उसके बाद में आपको पूरा डिटेल में चेक करना है अपने पेंशन का स्टेटस। तो आपको क्या करना होता है, जैसा कि यहाँ पर इस कारण में आप देखते हैं तो लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन इस पर आपको टच करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं लिख के आ जाता है योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, जैसा कि आप जो है फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसके बाद में अपना स्टेटस भी उस पर पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है आपके सामने आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जो है पूरा ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका नाम, आपका फोटो, आपका बारकोड, यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल, आय का डिटेल, यहाँ पर पूरा डिटेल आपका शो के आ रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, और आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है प्रिंट एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करके जो है आप इसको अपने कंप्यूटर से जो है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप अपना स्टेटस अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, आपका चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अभी भी आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।